वेलकम बैक टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कुछ आया है। तो ये सब्जेक्ट में जाने से पहले आप लोगों को कुछ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स। ये देखिएगा, ये रिक्रूटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2022 एलिजिबिलिटी एनी ग्रेजुएट, ये 210 परमानेंट पोस्ट है। सैलरी मेंशन किया गया है 63,068 रुपीज़ पर मंथ इनिशियली सैलरी है। ओके, इसके साथ में और कुछ है, कब से ये पोर्टल स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, उसके बाद ये से लास्ट डेट, फीस वगैरह, कौन सा कैंडिडेट ये अप्लाई कर सके, तो इसके डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, और प्यारा सा लाइक एंड कमेंट करिएगा वो इनक्रेज करने के लिए। ओके, चलते सब्जेक्ट पे। देखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली डेटेड जून 18, 2022 ये लेटेस्ट अपडेट है। एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन हु फुलफिल द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ऑन 1/7/2022 फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए पैनल फॉर फिलिंग अप 210 वैकेंसीज एंटिसिपेटेड अप टू 31/12/2022 फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। देखिएगा, ये कोर्ट का पोस्ट का डेजिग्नेशन जूनियर पोस्ट देखिए जूनियर कोर्ट असिस्टेंट अच्छा ग्रुप बी नॉन गेजेटेड प्लेस इन लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स विथ इनिशियल बेसिक्स पे ऑफ रुपीज़ 35,400 रुपये रहेगा। द अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सैलरी एज पर एग्जिस्टिंग रेट ऑफ अलाउंसेस इंक्लूडिंग HRA कम्स टू 63,068 रुपये पर मंथ प्री रिवाइज पे स्केल पे बैंड टू विथ गेट पे ऑफ रुपीज़ 4,200 रुपये। तो ये है मेन चीज़ है। उसके बाद आप लोगों को देखिएगा, डिस्कस करेंगे द नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ बैचलर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। मिनिमम स्पीड होना चाहिए 35 वाट पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो ये सब चीज़ आप लोगों को एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये मस्ट चाहिए कोई भी एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट के लिए। आज का दिन में कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए और साथ साथ में 35 जिसको नहीं आया है अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा और आ जाएगा इसको, क्यों ना इसमें सर्टिफिकेट मेंशन किया नहीं तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर दे। और एज रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो 18 इयर्स एंड अबव 30 ईयर, मतलब आपको मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 July 2022 आज यूजुअल रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिजिबल टू द SC/ST/OBC फिजिकल हैंड चैलेंजेस एक्स सर्विस एंड डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर्स एज पर गवर्नमेंट रूल्स। देयर विल बी नो अपर एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ द रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर, नो रिलैक्सेशन इन एज विल बी अलाउडेड टू द कैंडिडेट वर्किंग इन ऑर्डर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ETC। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन, ये टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आप होना चाहिए। रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन वगैरह आप लोग देख लीजिएगा क्यों ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो ये आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन द टेस्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। देखिएगा, एक कुछ
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कुछ है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर विथ मल्टीपल चॉइस आंसर आंसर अच्छा कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कंसिस्टिंग 50 नंबर्स है जनरल इंग्लिश क्वेश्चन इंक्लूडिंग अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सेशन 25 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन एंड 25 जनरल नॉलेज ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स वगैरह कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इसी के टाइप का। टू आवर्स देयर विल बी नेगेटिव मार्क ऑफ, देखिएगा इसमें नेगेटिव मार्क भी मेंशन है। टू आवर्स देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स मार्किंग ऑफ वन बाय बटे फोर, मतलब चार मिस्टेक होने चाहिए, एक नंबर आपको मेन मार्केट मार्क्स से कट जाएगा। अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 25 मार्क क्वेश्चन, टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विथ मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिस्टेक्स अलाउड 3%। अच्छा ये 10 मिनट्स का है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देखिएगा इन इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पैसेज राइटिंग एंड इजे एट ये टू आवर्स। ये जो जैसे कोई एक टॉपिक दिया जाएगा उसी टॉपिक में कॉम्प्रिहेंसिव जैसे प्रबंध रहे तो उसको शॉर्ट क्यों करना है, पैसेज राइटिंग राइटिंग स्किल के इसी के आधार पे तो ये टू आवर्स रहेगा। ये मेन ये चार पॉइंट है। देखिए टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। ये सब चीज़ है। बाकी दिस कैंडिडेट दोस कैंडिडेट हु क्वालिफाई एज पर द अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया कट ऑफ इन द रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट टाइपिंग स्पीड टेस्ट एंड ऑन कंप्यूटर एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड एंड क्वालिफाई द इंटरव्यू बाय सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग और मोर मार्क्स आफ्टर क्वालिफाइंग द प्रेस्क्राइब टेस्ट एंड इंटरव्यू द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एम्पैनल इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द अपॉइंटमेंट एज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। तो द कैंडिडेट मे नोट दैट मेरी प्लेसमेंट इज पैनल डज नॉट कॉन्फर एनी राइट ऑन द कैंडिडेट्स टू क्लेम अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। तो ये सब चीज़ है। अच्छा रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी, देखिएगा ये एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन में अप्लाई फॉर व्हिच द लिंक इज प्रोवाइडेड थ्रू सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट जो मेंशन किया है ब्लू कलर का। द एप्लीकेशन will be accepted through the online registration only which is likely to be start from 18/6/2022। देखिए क्या मैं आज 18 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, आज से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस टेस्ट फी ऑफ रुपीज 500 रुपीज फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट एंड रुपीज 250 फॉर एस सी एस टी एक्स सर्विसमैन पी एच अच्छा फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट प्लस अच्छा बैंक चार्जेस थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। देखिएगा इसमें वोमेन मेंशन किए नहीं, जैसे जो कैटेगरी में आता है उसी हिसाब से आप लोगों को जो जिस कैटेगरी आती है उसी हिसाब से आप लोगों को देना पड़ेगा। फी शैल नॉट बी एक्सेप्टेड सेट इन एनी अदर फॉर्म, नो पोस्टल एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। देखिएगा नो पोस्टल एप्लीकेशन, देखिए बाय पोस्ट में द्वारा कोई एप्लीकेशन देगा तो नहीं होगा एक्सेप्ट नहीं होगा। द
फी शैल बी पेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे प्रोवाइडेड बाय यू सीओ बैंक. द स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 18/6/2022 एट 10:00 AM. मतलब 10 से स्टार्ट है. लास्ट डेट एंड बिफोर इट 7 July 2022 मिडनाइट तक. अच्छा, जनरल इंस्ट्रक्शन ये आप लोग अपने तरफ से कोई ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये अपना जनरल इंस्ट्रक्शन को आप लोग अपने तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन कोई भी नोटिफिकेशन अपने तरफ से हर सेंटेंस हर वर्ड को आप लोग बारीकी से पढ़ लीजिएगा. जो नोट ये डे विल बी पेबल टू द कैंडिडेट टू अपियरिंग इन द टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये सब चीज़ नहीं दिया जाएगा. बाकी ये जो 16 पॉइंट है, ये 16 पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा. हमारा काम है आप लोगों को मेन चीज़ की डिस्कस करके आप लोगों को फर्स्ट नोटिफिकेशन को पहुंचा देना है. ओके, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो. ये नोटिफिकेशन के लिए आ जाइएगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वेबसाइट में आ जाने के बाद देखिएगा, ये राइट से लेफ्ट साइड जा रहा है, ये रिक्रूटमेंट और डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये उसके बाद सर्कुलर वैकेशन ऑफिसर डिपार्टमेंट, ये देखिए इसमें नहीं है, जाइएगा वो फर्स्ट वाला जो मैं मेंशन किया उसी को जाइएगा, इसी में जाके वो डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा. और उसके साथ आप लोगों को जैसे इसका पोर्टल खुल जाएगा ऑनलाइन, इसी में वो इसी में एक वो ब्लिंकिंग करता है ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन पोर्टल खुल जाता है उसी में, ये इसी राइट से लेफ्ट साइड में ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला भी पोर्टल आ जाता है. तो उसमें सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्री रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट इन द सुप्रीम कोर्ट, ये वाला इसी को क्लिक करके आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो. उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो. और चलते चलते प्यारा सा लाइक एंड कमेंट छोड़िएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मोटिवेशन बनाते रहेगा. ऐसे टाइप का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में देते रहेंगे. जय हिंद, भारत माता की जय.